नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी कि थाने में जो किसानों को अरेस्ट किया गया था उनमें से लगभग किसानों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 7 किसानों पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिन किसानों पे मुकदमा दर्ज किया गया था उनको जेल में शिफ्ट करने की प्लानिंग जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरे किसानों को पता चला तो उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाल दिया। उसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर और ज़्यादा किसान जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। आसपास के जितने भी इलाके में आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे तमाम किसान ही किसान आपको दिखाई देंगे कि आखिर जो जिन किसानों को अरेस्ट किया था या तो उन सभी पे मुकदमा दर्ज किया जाए या फिर सभी को रिहा किया जाए। तो इस मांग को लेकर के तमाम जो ये किसान है वो यहाँ पे डटे हुए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे हमें कुछ इस धरने पे महिला किसान भी दिखाई दिए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह से समर्थन इस धरने को करने वाली हैं। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका मैम? प्रोमिला साहरण। कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल क्लायत विधानसभा से। अच्छा, तो आज यहाँ पे समर्थन करने आए धरने का? धरने का बिल्कुल समर्थन करने, धरने का हम हिस्सा बनने आए हैं। अकेला समर्थन तो है ही है, उसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और ये अनिश्चित काल चलेगा जब तक इनकी सरकार के ऊपर, ये जो कल कहते रहे थे कि यहाँ हर जो भी सरकारें बनती है किसानों का नाम लेके उनके कंधे पे सीढ़ियाँ चढ़ा के सरकारें बनती हैं, लेकिन बाद में जब सत्ता आती है तो इनको सबसे पहले इनको बुलाया जाता है। आज जो किसान की हालात है सबको दिखाई दे रहा है, सारे देश का किसान सड़कों पे है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ जूं भी नहीं रेंग रही है। आज यहाँ पहुँचने का मुख्य उद्देश्य है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि जब कोई अन्य वर्ग उठता है तो प्रशासन की या उसकी कानून की कमर तोड़ता है, लेकिन जब किसान उठता है तो वो सरकारों की कमर तोड़ता है। आज आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हम उनको यही बात बताने आए हैं, याद दिलाने आए हैं, जो कि कुर्सी के नशे में आज भूल चुके हैं, उन्हीं के जो वादे हैं। आज ये किसान भाई मेरे जो सड़कों पर हैं, पूरा देश का किसान आज सड़कों पर उतरा हुआ है वो सरकार की कमर तोड़ने के लिए है। आज उनको ये बताना होगा उनको कुर्सी चाहिए है या किसान चाहिए है, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन ये जो इस तरह की घटना है, जो इस तरह का लाठी चार्ज हुआ है, जो इनको अरेस्ट किया गया है, एक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, तो इस तरह से करने का क्या मतलब है? पूछ रहे क्या इस देश में, इस हमारे यहाँ लोकतंत्र का शांतिपूर्वक आंदोलन करना या अपनी बात रखना हम हर व्यक्ति का हक है। और ये जो किसान जो दुनिया का पेट भरता है, पूरे देश का अन्नदाता है, आज सड़कों के ऊपर अपनी फसल बेचने के लिए इस तरह से मोहताज है, इनकी मुँह की तरफ देख रहा है, तो क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती? वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो देवीलाल जी के वंशज हैं, उनके बच्चे हैं, ये कहते हैं आज हम उनकी धरती पर इस तरह से किसान मेरा अपमानित हो रहा है, सड़कों पे पड़ा है, ये झेल रहा है, क्या उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है? हम ये उनसे पूछना चाहते हैं। और आपके माध्यम से जो देश का एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो हम चाहते हैं कि आप उन तक रखिए, और हम जवाब भी मांग रहे हैं, इंतज़ार में हैं कि सरकार के कानों तक जूंघ रहती है ये मेरा किसान जो सड़कों पर बैठा है, पूरे देश के हिस्से में जो आंदोलन चल रहे हैं उनका उनके लिए क्या वो है। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 7 पे मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या अभी आपकी बातचीत भी हुई होगी? क्या प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की पत्नी हूँ मैं। आप ये देखिए प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार, ये सरकार है। आज जो अपना किसान भाई है सारे उनको जेल में डाल दिया गया है, अपनी बात करने का किसी को अधिकार नहीं है, अपना काम छोड़ के मजदूरी और छोड़ के सारे अपने सड़कों पे क्यों आए हैं? सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। ये जो पुलिस है, पुलिस साथ देने की बजाय उन्हीं को अंदर कर रही है। जो पुलिस गुंडों को साथ देती है, गुंडों को तो अंदर नहीं करती है, अपनी बात रखने के लिए अंदर किया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं हमारे गरीब तबके को, किसान भाइयों को, सबको अंदर ना करने की बजाय उनको उतनी जो बात कह रहे हैं उनका मौका तो दिया जाए। शांतिपूर्ण ढंग से कल सारा आंदोलन किया गया, लेकिन कुछ ऐसे अशांत पूर्ण जो तत्व थे उन्होंने जानबूझ के हंगामा करवाया। ये सब प्रशासन का ही किया दरा है, और आज उन्हीं के कंधों पे बंदूक रख के जो बेकसूर लोग हैं, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हैं और भी उनके सारे साथी हैं, सिर्फ आवाज़ उठाने का उनको दंड दिया जा रहा है, उनको छोड़ा जाए और जिन्होंने ये किया ना उनको पकड़ा जाए। मेरी सबसे अपील है, इंकलाब जिंदाबाद।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तमाम किसान नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग को लेकर के किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा की पत्नी भी यहाँ पे मौजूद थी। सभी लोग जो है वो इंतजार में हैं, एक ही इंतजार में है कि आखिर कब क्या कुछ फैसला निकल कर के सामने आता है, क्या कुछ जो अधिकारियों के साथ इनकी बातचीत होती है उसमें क्या कुछ फैसला होता है, किसान नेताओं को रिहा किया जाता है या फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है। किसानों की एक ही मांग है कि अगर गिरफ्तार करना है तो जिनको गिरफ्तार किया गया था उन सभी को, सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, सभी को गिरफ्तार किया जाए, और अगर रिहा किया जाना है तो सभी को एक साथ रिहा किया जाए, क्योंकि जिस गुनाह के अंदर वो सात किसान नेता शामिल थे उसी गुनाह के अंदर वो तमाम किसान भी शामिल थे। ऐसे में अगर बात बताऊं तो कुछ किसानों को डिंग थाने में भी लेकर के गए थे, वहां पे भी किसान जो है उनकी रिहाई की मांग को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। पंजुआना से आगे अगर बात करूं तो सावाला गांव में किसानों का धरना वो लगातार जारी है, रोड जाम किया हुआ है। किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर के ये किसान जो है सरकार और प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।